क्वेश्चन पे ये दिया हुआ है, लेट्स सी, ए मैन विशेस टू क्रॉस अ बोट रिवर इन अ बोट. इफ ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, ही टेक्स 10 मिनट. यू नो मिनिमम टाइम के लिए उसको कैसे जाना पड़ेगा, मतलब द मैन क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम. इफ ही शुड मूव परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसीलिए क्योंकि जो थीटा था वो जीरो हो जाएगा और कॉस जीरो को मतलब हमें मैक्सिमम करना है टाइम को मिनिमम करने के लिए, ये मैंने बताया था लास्ट क्लासेस पे. ठीक है, तो इसीलिए मिनिमम टाइम की अगर मैं बात करूँ, लेट्स गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, और वो जब जब परपेंडिकुलरली जाता है मिनिमम टाइम पे तो ड्रिफ्ट कितना हो जाता है 120 मीटर. ठीक है, और ड्रिफ्ट मैंने बताया था आपको एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी पिछले वाले लेक्चर्स पे. इफ ही क्रॉसेज द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, पहले आया मिनिमम टाइम की कॉन्सेप्ट, सेकेंड पे आया शॉर्टेस्ट रूट की, शॉर्टेस्ट रूट पे वो जाएगा, ही टेक्स 12.5 मिनट. ठीक है, दो केसेस दिया हुआ है, दोनों को रिलेट करके कैसे हम निकालेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द वाटर. ठीक है, वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट. चलो स्टूडेंट्स, पहले मैं केस वन पे जाता हूँ, मिनिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट पे. ठीक है स्टूडेंट्स, यू नो मैन क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, ही शुड मूव परपेंडिकुलर टू द बैंक, है ना. अगर ये बैंक ऑफ द रिवर है मिनिमम टाइम के लिए, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास थ्योरी में बताया था, तो उसको परपेंडिकुलरली जाना पड़ेगा. कैसे जाना पड़ेगा उसको, ही हैज टू गो परपेंडिकुलर, मतलब लाइक दिस, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली जाएगा तभी जाके ये जो थीटा था जीरो हो जाएगा, है ना. याद आ रहा है आपको, t इज इक्वल टू d बाय u cos थीटा हमने लिए थे, u को u cos थीटा u sin थीटा, दो कंपोनेंट्स लिए थे. तो आप यहां पर ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो, यू कैन ऐड, इफ द मैन क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम, राइट, इफ द मैन क्रॉसेस द रिवर, if the man crosses the river in minimum time, he should move perpendicular to the move, he should move perpendicular to the bank, perpendicular to bank or normal to the direction of water flow. dono question mein bhi is tarah se aa sakta hai, और नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो. दोनों एक ही चीज है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर टू द बैंक, मतलब अगर ये बैंक है इसको परपेंडिकुलरली वो जा रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री. और अगर वाटर फ्लो की बात करें, दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर जिसको हम लेते हैं उसको कैसे परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, ये भी हम ले सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट मान के चलो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज वी, दैट वी हैव टू फाइंड समटाइम्स लेटर. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू वी, मैग्नीट्यूड मान के चलो. और स्टूडेंट वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है ना उसको यू मान के चलो. ठीक है, और टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर क्या है, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको 10 मिनट लगता है, जबकि टाइम कितना है, मिनिमम टाइम का क्या फॉर्मूला हमने निकाले थे, जस्ट रिमेम्बर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, सेम ही, टाइम टू क्रॉस द रिवर, कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो होगा तो कॉस मैक्सिमम होगा, सो दैट टी वन इज इक्वल टू हाउ मच, याद है डी बाई भी हमने लिए थे, करेक्ट, यस सर नो, है ना स्टूडेंट्स, यही लिए थे तो, यस सर, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच इज पर द क्वेश्चन, टेन इज इक्वल टू डी बाई वी, सो डी मतलब जो विथ ऑफ द रिवर इज हाउ मच, 10 वी, पहले क्लू से हमें ये मिल गया, करेक्ट, यस सर नो स्टूडेंट्स, है ना. चलो स्टूडेंट्स देखो, वो इस तरह से जा रहा है ना, वो इस पॉइंट पे फेस करके स्विम करेगा 90 डिग्री, बट थोड़ी ना वो यहाँ पर पहुंच पाएगा, थोड़ा सा उसको ड्रिफ्ट इस तरफ लगेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ लगेगा और वो इस तरफ जा रहा है, तो वो थोड़ा ड्रिफ्ट करके यहाँ पर पहुंच जाएगा. और वो ड्रिफ्ट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे, हाउ मच इज द ड्रिफ्ट गिवन, 120 मीटर, राइट, तो वो 120 मीटर शिफ्ट कर, ड्रिफ्ट कर जाता है, करेक्ट. तो अगर मैं उसको रिलेट करूँ स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं ड्रिफ्ट की बात करूँ, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू एक्स, drift is x, so that x is equal to how much, u into t1, that is u kitna, matlab that is how much time kitna liya usne, kitna drift kiya usne, x is equal to 120 meters, yes, so that is equal to how much students, dekho to x jo hai na wo 120 hai, correct, aur time jo hai kitna hai, 10 मिनट, करेक्ट, 120 इज इक्वल टू यू इंटू 10, यही तो है ना, तो
तो यहीं से हमें u कितना मिल जा रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, हमें मिल गया 12 मीटर पर मिनट, है ना, क्योंकि मिनट पे दिया हुआ है. अंडरस्टूड और नॉट? ड्रिफ्ट स्टूडेंट 120 हो रहा है, टाइम 10 मिनट, तो u निकाल लेंगे आराम से. u इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 12 इनटू u इनटू 10, तो हमें u मिल गया. तो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ गया, 12 मीटर पर मिनट. स्टूडेंट समझ पे आ रहा है ना, मिनिमम टाइम की कॉन्सेप्ट जब आता है. तो देखो अगर बोट इस तरफ जा रहा है परपेंडिकुलरली, दिस इज v, इसको भी याद रखो, और ड्रिफ्ट हुआ इस डायरेक्शन पे, मतलब दैट इज रिवर की वेलोसिटी की वजह से, दैट इज u, तो नेट कितना हो जाएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट डायग्राम, यस और नो? एंड व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैन, ये v है, v वेक्टर है, ये u वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो दैट विल बी v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर ना, करेक्ट? दिस इसका स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू vm का स्क्वायर, यस और नो? दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड, है कि नहीं? अगर मिनिमम टाइम की बात करें, दिस इज थीटा, गेटिंग और नॉट? यही फेजर डायग्राम होगा ना, इस तरह की वेक्टर डायग्राम होगा कि नहीं? मिनिमम टाइम पे जब वो क्रॉस करता है परपेंडिकुलरली, क्या रिवर की वेलोसिटी की वजह से यू आ गया, तो इसीलिए वो इस तरफ चला गया, नेट वेलोसिटी. अंडरस्टूड? तो फ्रॉम द फर्स्ट गिवन डाटा वी आर एबल टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रिवर, करेक्ट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे दिया हुआ है, मैन क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट. शॉर्टेस्ट रूट की कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, ठीक है? केस 2 पे चलते हैं, ये मैंने बताया था थ्योरी पे, फिर और एक बार बता रहा हूं. राइट, इफ द मैन क्रॉसेस द रिवर, इफ द मैन क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, shortest route means the drift should be zero. The drift should be zero. और उसी टाइम पे मतलब कैसा होगा कॉन्सेप्ट, जब shortest पाथ की बात होता है, मैंने सेकंड केस पे आपको बताया था, तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं? उसको जाके यहां पर पहुंचना है, बट थोड़ी ना वो इस तरफ फेस करेगा तो वहां पर नहीं पहुंच पाएगा ना, तो उसको थोड़ा एंगल बना के जाना पड़ेगा, यस और नो? एंड दैट इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. And this is what? This is river velocity. तभी जाके ये वाला क्या हो जाएगा? This is magnitude of the man. So the velocity, that is how much? That will be v square minus u square, na? Getting or not? ये v square minus u square होगा कि नहीं? Yes, sir. And this will be theta, उसी केस पे. This is the condition for the shortest route. तो उस पे अगर हम t2 देखेंगे, students, तो यहाँ पर हम time निकाल सकते हैं. Time to cross the river इसी केसेस पे, right? Time to cross the river. Time to cross the river is how much? T2 is equal to how much students? 12.5. दिया हुआ है क्वेश्चन पे, करेक्ट? और width of the river कितना लिया हम? D लिया है ना शुरुआत में? D. और ये net velocity कितना हो गया? V square minus U square का root under, करेक्ट? सही है कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है? वेक्टोरियली ओनली वेक्टर की एप्लीकेशन. T2 is equal to 12.5, that is equal to D by V square minus U square, करेक्ट? Yes sir, no students? और केस 1 से हमें d कितना मिल गया था, देखो यहां से हमने d निकाल लेते कुछ 10v ना, तो उसको डाल देते हैं यहां पर, d इज इक्वल टू 10v, करेक्ट? एंड अगर हम और v और u भी हमें कितना मिल गया था, 12 मीटर पर सेकंड, राइट और नॉट? 12 मीटर पर मिनट, है ना? मिल गया था ना यहां से हमने u, yes. तो चलो पुट कर देते हैं दोनों को यहां पर, सो यू कैन राइट putting all the values, 12.5 is equal to d के जगह पे मैंने 10v लिख दिया, divided by v square minus u का square, that is 12 का square, correct? Both side को square कर दो, solve कर दो, you'll be getting v as 20 meter per second, ठीक है? Minute पे convert करने के बाद 20 meter per second आपको मिल जाएगा. Just see the concept. First, दिया हुआ है, मैन कैन स्विम एट ए रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर. मैंने बताया था 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर. इन स्टील वाटर मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, यस और नो? देन ए 1 किलोमीटर वाइड, डी कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर. फ्लोज एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. रिवर की जो वेलोसिटी है, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. द मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब शॉर्टेस्ट रूट की कॉन्सेप्ट है, जो पहला वाला क्वेश्चन किया उसका सेकेंड बिट का. Along what direction must the man swim? Theta.
व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी वो निकालेंगे, हाउ मच टाइम ही टेक टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। डायरेक्टली स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर आपको फेजर डायग्राम बना दूं तो आपको क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, ठीक है। वही वाला कॉन्सेप्ट है, शॉर्टेस्ट रूट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसको इस तरफ अपोजिट बैंक पे जाके पहुंचना है इस पॉइंट पे, तो ही हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ब्रीफली लिख रहा हूँ, दैट इज इन स्टील वाटर, दैट इज वी ओनली मैं लिया हूँ। एंड वट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट इज यू, करेक्ट। यू इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, आर आई वी आर, उसकी मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल टू यू लिए हम, करेक्ट। तो रिजल्टेंट ये वाला हो गया। एंड वट इज दिस रिजल्टेंट, दिस इज लेट दिस इज फाइव एंगल एंड लेट द टोटल एंगल इज थीटा, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 90 प्लस 5। थोड़ा ध्यान से देखना, जब डायग्रामेटिकली क्वेश्चन दिया रहता है तो बच्चे क्या करते हैं, तुरंत सॉल्व कर लिए, टिक कर दिया, बट वो 90 प्लस समथिंग है या फिर 5 पूछा है या फिर थीटा पूछा है, वो सिली मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और ये जो है दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात हो रहा है, करेक्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट मीन्स वी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस वी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज गिवन 5 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है, दिस इज, अच्छा स्टूडेंट ये जो 5 किलोमीटर पर आवर है, दिस इज ग्रेटर देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी, यस और नो? सो देयरफॉर द मैन कैन क्रॉस द रिवर डायरेक्टली अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, यस और नो? नो ड्रिफ्ट कंडीशन फ्रॉम द फ्लो वेलोसिटी। सो एंगल ऑफ स्विम जो फाइ है, जो जब हम फाइ निकालेंगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसे अगर मैं फाइ की बात करूं तो फाइ इज इक्वल टू, क्या मैं साइन की टर्म्स पर लिखूं तो साइन इनवर्स ऑफ फाइ है ये, है कि नहीं, पी बाई एच, दैट मीन्स यू बाई वी लिख सकता हूँ, करेक्ट है ना। अगर मैं थीटा की बात करूं, इफ इज आस्किंग इन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस साइन इनवर्स ऑफ यू बाई वी, अगर इस तरह ऑप्शन पे दिया होगा तो आप लिख सकते हो, नहीं तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5, 3/5 की कॉन्सेप्ट याद है या भूल गए? 37 डिग्री 4/5, यस 3/5 मतलब दिस इज 37, दिस इज 53, सो दैट इज 90 प्लस 3/5 मतलब 37 डिग्री, सो 90 प्लस 37 दैट इज हाउ मच, 127 डिग्री, करेक्ट, यस और नो? That is 127 degree with respect to the river flow or bank. थोड़ा ध्यान से उसको देखना, उसको लिख देता हूँ यहाँ पर, That is with respect to the river flow. With respect to the river flow, correct? Understood? Just note it, students. Student, second bit पे दिया हुआ है resultant velocity. ऑलरेडी पिछले वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, देखो ये डायग्राम, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट अंडर, यस सर नो? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द मैन विल बी नंबर 2, अब देख सकते हो रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर देखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट अंडर, करेक्ट राइट। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैन विल बी रिजल्टेंट velocity of man will be that is vm is equal to v square minus u square ka root under that is equal to 5 square minus 3 square ka root over, correct? So that is how much? 4 kilometer per hour, understood? Hai na? Aur time taken kya ho jayega? Last part mein kya pucha tha usne? How much time it will take to cross the river, hai na? How much time it will take to cross the river? Chalo. Time taken to cross the river, right? Time taken to cross the river. Hai na? So that is T is equal to dy v square minus u square ka root over, correct? So that is equal to d 1 kilometer. Ye resultant kitna aa gaya? 4 kilometer per hour. So solve karenge 1/4 hour. So that is equal to how much? 60/4, 15 minute. Understood? Just note it.